जैसे कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको एक आर्टिकल के $75 दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप $50 भी एक आर्टिकल का अर्न कर सकते हैं और यहाँ पे आपका आर्टिकल 100% अप्रूव होगा। यहाँ पे आपने विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करना है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जस्ट आपने राइटिंग का वर्क करना है और उसकी आपको पेमेंट दी जाएगी। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर काम करके पैसे कैसे कमाने हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसका पे रेट चेक करेंगे। अगर आप एक आर्टिकल राइट करते हैं और इसके अंदर इंक्लूडेड पिक्चर भी होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप एक आर्टिकल राइट करते हैं और उसके अंदर आप पिक्चर्स को ऐड करते हैं तो आपको $75 पर आर्टिकल के दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कवर फोटो और पेड यहाँ पे $50 अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा मेथड है जिससे आप यहाँ पे अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे अपने आर्टिकल को राइट करना है, आर्टिकल को राइट करके सबमिट करवाना है, जिसका आपको पर आर्टिकल $75 दिए जाते हैं। बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल फ्री काम करना है और आप इजीली यहां से $75 जो है उसको अर्न कर सकेंगे। तो चलिए सीखते हैं किस तरह आप यहां पे काम करेंगे और किस तरह यहां से अपनी अर्निंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज जिस वेबसाइट के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप मैगजीन जो है उसको राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा अपने आर्टिकल को राइट करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने आर्टिकल या अपनी मैगजीन को राइट करना सीखते हैं कि किस तरह आपने राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर जो आपने काम करना है, जो भी आर्टिकल या अपनी मैगजीन को राइट करके सबमिट करवाना है, उसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ChatGPT को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ChatGPT को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये ChatGPT ओपन हो चुका और यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है, AIPRM। ठीक है, आपने इस एक्सटेंशन को ऐड करना है। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो जैसे ही आप उस वीडियो को वॉच करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अपनी एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये वाली प्रॉम्प्ट ये मेरी सेलेक्ट हो चुकी है। अब यहां पे आपको एक टाइटल चाहिए होता है, जिस टाइटल के ऊपर आपने अपने आर्टिकल को राइट करना होता है, एक टॉपिक होता है। तो सबसे पहले यहां पे मैं कोई भी एक टॉपिक ले लेता हूं, जैसे कि राइट एन आर्टिकल अबाउट कल्चर। ठीक है, तो जैसे ही आप ChatGPT को प्रॉम्प्ट देंगे तो ChatGPT आपको एक अच्छे तरीके से आर्टिकल राइट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसने मुझे लिंक प्रोवाइड किया, वो कहता है जी इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, इस लिंक के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और अपने आर्टिकल को यहाँ पे राइट करवा लेना है और ये वाला आपका आर्टिकल जो होगा ये 100% ह्यूमनाइज होगा। बाकायदा इसको मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें, ChatGPT ने मुझे मेरा आर्टिकल राइट करके दे दिया। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारी आउटलाइन और आउटलाइन बाय आउटलाइन यहाँ पे ChatGPT आपको आर्टिकल राइट करके देगा। सबसे पहले ये वाली आपकी आउटलाइन है, आपने इसको स्किप कर देना है, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से आपका आर्टिकल जो है वो राइट होना स्टार्ट हुआ है। तो सिंपल आपने इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आना है Small SEO टूल के नाम से। अब यहाँ पे 3 से 4 चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपने क्या चेक करनी है, ChatGPT डिडक्टर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे अब आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपका आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें आई एम नॉट अ रोबोट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ChatGPT कॉन्टेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिडक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखें इसने मैं बताया जी इसके अंदर आपका 23.34% जो है वो AI राइटिंग कंटेंट आ रहा है और यहाँ पे ह्यूमनाइज जो आ रहा है वो आ रहा है 76.66। अब यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले ह्यूमनाइज बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, आपने अपने आर्टिकल को रीराइट करवाना है। जैसे कि मैंने अपने आर्टिकल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एक तो ये वाली वेबसाइट है, इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्लैरिज्म चेकर आता है, AI डिडक्टर है और इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आर्टिकल रीराइटर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगेन आपने इसी तरह अपना पैराग्राफ जो है उसको पेस्ट करना है, अपने आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीराइट आर्टिकल। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे रीराइट आर्टिकल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है वो रीराइट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो सबसे पहला काम आपने आर्टिकल को रीराइट कर लिया। आर्टिकल को रीराइट करवाने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है प्लैरिज्म चेकर का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपने अपने आर्टिकल को यहाँ पे उसी तरह से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना प्लैरिज्म चेक कर लेना है कि हमारे आर्टिकल के अंदर कोई भी प्लैरिज्म आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे यूआरएल लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप यूआरएल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, यहाँ पे अगर आप पेड वर्जन यूज करना चाहते हैं तो पेड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे 1000 वर्ड जो है वो बिल्कुल फ्री के अंदर जो है वो पैराफ्रेज कर सकते हैं, प्लेरिज्म इसका चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है फ्री ग्रामर चेकर का। आपने यहाँ पे आना है, देखिए जहाँ पे देखिए देखिए लिखा हुआ है ग्रामर चेकर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आएगी और यहाँ पे भी आपके सामने यही ऑप्शन आएगा कि आप अपने पैराग्राफ को पेस्ट करें। पैराग्राफ को पेस्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे देखें, ये आपके सामने ऑप्शन आया और यहाँ से मैंने अपने आर्टिकल को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेक ग्रामर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी ग्रामर जो है वो चेक हो जाएगी, जितनी भी स्पेलिंग्स की मिस्टेक आ रही हैं वो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, सारी चीज़ों को चेक करने के बाद आपने सबसे पहले अपने एमएस वर्ड को ओपन करना है। अगर आपके पास मोबाइल के अंदर नहीं है तो आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च कर लेना है एमएस वर्ड। तो सिंपल आपके सामने एमएस वर्ड जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया। ओपन करने के बाद जो आपने अपना आर्टिकल रीराइट करवाया था उसके अंदर से प्लैरिज्म और पैराफ्रेज सारा कुछ कर लिया था, तो आपने उसी आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आ चुका। अब आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, जैसे कि आपने इसकी हेडिंग को बोल्ड करना है और बोल्ड करने के बाद इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने सारी की सारी हेडिंग को बोल्ड कर लिया और जैसे ही मैंने बोल्ड किया तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरा आर्टिकल जो है वो कस्टमाइज हो चुका है। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ को लाजमी से ऐड करनी है, वो है पिक्चर। पिक्चर आपने कैसे लेनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा जो आर्टिकल था वो था कल्चर रिलेटेड। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है pixels.com। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे इस वाली साइट को आपने ओपन करना है और यहाँ पे देखिए मैंने सर्च कर लिया कल्चर। तो जैसे ही मैंने सर्च किया काफ़ी ज़्यादा पिक्चर जो है वो मेरे सामने ओपन होकर आ चुकी हैं और ये सारे की सारी HD क्वालिटी के अंदर आती हैं और ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। आपने इनमें से किसी भी एक पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप कोई भी एक पिक्चर डाउनलोड करेंगे, पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन अपने एमएस वर्ड के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर्स को ऐड करना है। कम से कम आप अपने आर्टिकल के अंदर 2 से 3 पिक्चर को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पिक्चर आपने लाजमी ऐड करनी है क्योंकि ये वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आपका आर्टिकल जो है वो रेडी हो चुका। आर्टिकल रेडी होने के बाद अब आपने कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने काम करना है, आपने अगेन गूगल के ऊपर आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है bkulture.com। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं इनकी ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आएगी। अब यहाँ पे मैंने इसका राइट फॉर अस का पेज ओपन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखें राइट फॉर अस। नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी 100 पेज यहाँ पे हम लोग जो है वो मतलब मैगजीन इशू करते हैं। 15 से 16 आर्टिकल को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, जो लोग यहाँ पे काम करेंगे और जितने भी पेजेस होंगे उस बेस पे हम लोग यहाँ पे 15 से 16 आर्टिकल को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी सबमिशन गाइडलाइन। अब यहाँ पे देखिए 800-850 वर्ड का आप यहाँ पे अपने आर्टिकल को राइट करके सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना प्रपोजल भी सबमिट करवा सकते हैं। आप अगर अपना आर्टिकल नहीं यहाँ पे सबमिट करवाना चाहते तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्रपोजल राइट करवाना है, वो भी आपने ChatGPT से राइट करवाना है। प्रपोजल राइट करवाने के बाद आपने 200 वर्ड से लेके 300 वर्ड का आपने प्रपोजल राइट करवाना है, ठीक है। प्रपोजल राइट करवाने के बाद वो भी यहाँ पे आपने सबमिट करवा देना है। वो आपने कैसे सबमिट करवाना है उसके बारे में आपको मैं डिटेल बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पे रेट चेक कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें पेमेंट और यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आर्टिकल इंक्लूडेड फोटो स्टार्ट। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको बताई थी कि आपने जो भी अपना आर्टिकल राइट करवाना है उसके अंदर पिक्चर का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको $75 जो है वो पर आर्टिकल के दिए जाते हैं और यहाँ पे देखिए कल्चर मैगजीन के तौर पे, और इसके अलावा यहाँ पे $50 भी आप अर्न कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे प्राइसेस दिए गए हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे तरीकाकार बताया गया कि किस तरह आपने यहाँ पे अपने आर्टिकल को सबमिट करवाना होता है, किस तरह आप यहाँ पे अपनी राइटिंग करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है जी सबमिशन की, कि आपने यहाँ पे सबमिशन कैसे करनी है, अपना प्रपोजल कैसे इनको सेंड करवाना है। सबसे पहला काम है आपने यहाँ पे अपना प्रपोजल सेंड करवाना।
जब आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, जब आपको मेल आ जाएगी, उसके बाद जो आपने अपना आर्टिकल राइट करवाया होगा वो सबमिट करवाना है। अब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये इनकी मेल है, सबमिशन गाइडलाइन की ये मेल है, ठीक है। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी मेल को ओपन कर लेना है। उससे पहले आपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दी थी कि मुझे एक अच्छे तरीके से कल्चर के रिलेटेड एक आर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसने मुझे राइट करके दे दिया। सिंपल इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, जी मुझे एक प्रपोजल राइट करके दे कल्चर के रिलेटेड। तो चैट जीपीटी आपको इसी तरीके से, जिस तरह आपका आर्टिकल राइट हुआ, जिस तरह आपकी मैगजीन राइट हुई, इसी तरह यहाँ पे आपको आपका प्रपोजल जो है वो राइट करके दे देगा। वो प्रपोजल जस्ट आपने एडिट वगैरह करना है, मतलब आपने अपना नेम वगैरह मेंशन करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चैट जीपीटी उसके अंदर ऐड कर देता है। आपने जस्ट अपना नेम मेंशन करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह आपने मेंशन करनी है, और अगर आपके पास कोई भी कंपनी का नेम आ जाता है तो वहाँ से आपने कंपनी का नेम जो है उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने अपनी जीमेल को ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी मेल को ओपन किया। ओपन करने के बाद जो मैंने मेल कॉपी की थी उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहला ऑप्शन आता है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपने अपना टाइटल मेंशन करना होता है। जैसे कि मैं चैट जीपीटी के ऊपर आया, चैट जीपीटी पे आने के बाद सबसे पहले जो आपने अपना टाइटल राइट करवाया था उस टाइटल को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये मेरा टाइटल आ गया, चैट जीपीटी ने मुझे टाइटल राइट करके दे दिया। सिंपल इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अपनी मेल पे आने के बाद जो सब्जेक्ट वाला ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इस टाइटल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे देखें, अटैच फाइल का बटन दिया गया है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी अपना प्रपोजल पीडीएफ बनाया होगा उस प्रपोजल को यहाँ पे आपने सबमिट करवाना है। तो जैसे ही आपकी फाइल अटैच हो जाएगी, फाइल को अटैच करने के बाद आपने सेंड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी, और मैक्सिमम 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स किया जाता है। और जो भी आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा वो आपको आपकी मेल के थ्रू ही रिस्पॉन्स किया जाएगा। इसके अलावा बात आती है इसके पेमेंट मेथड की, कि आप किस तरह से इसका पेमेंट मेथड जो है वो रिसीव कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी पेमेंट को रिसीव करेंगे। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आता है पायनियर का, आप पायनियर के जरिए अपने पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, और पायनियर के थ्रू आप जो है वो अपने इजी पैसा जैज कैश के अंदर अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी असाइनमेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग का वर्क करना चाहते हैं तो वीडियो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आपने उसको लाजमी से वॉच आउट करना है और उसके ऊपर अप्लाई करना है, ताकि आप भी अपनी फर्स्ट डे से इनकम को स्टार्ट कर सकें।